हम तो सड़क पे आके लड़ाई लड़ेंगे 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 और इन्हें हमें संतुष्ट करना ही पड़ेगा। सबको सुना गया, उनके अभिलेख लिए गए हैं, रूलिंग्स ली गई हैं, उन सबको ध्यान रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के नगर निगम में, जहां पर आज व्यापारियों की प्रशासन से वार्ता होने वाली है या कहीं जनसुनवाई होने वाली है। व्यापारी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अच्छी खासी संख्या में जो व्यापारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और क्या सुनवाई और क्या वार्ता आज इनके प्रशासन से होगी ये देखने वाली बात होगी। और आपको बता दें कि जिस तरह से अतिक्रमण से रिलेटेड मुद्दा जो है हल्द्वानी में चर्चाओं में बना हुआ है, उसको लेकर लगातार जो व्यापारी हैं वो रोष व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में क्या वार्ता इनकी होती है और क्या निष्कर्ष आज इनकी वार्ता से निकलेगा या फिर नहीं, चलिए बात करते हैं व्यापारियों से और आपको भी दिखाते हैं कि प्रशासन का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरह से आज व्यापारियों की वार्ता आपके साथ हुई है, क्या उनके पॉइंट्स थे और क्या आज निष्कर्ष इस वार्ता का निकला? अभी तक जो सुनवाई 2425 को हुई है उसमें कुछ तो श्रेणी एक करके भूमिधर के रूप में अपने को प्रस्तुत किए हैं, कुछ फ्री होल्ड के धारक के रूप में प्रस्तुत किए हैं, और बाकी नजूल ज़मीन पर अपने जो उनका टैक्स लगा हुआ है ऐसे भवन के स्वामी के रूप में आए हैं। एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी आई है और लगभग 25 दुकानें नगर निगम की आई हैं, और इन सबको सुना है। ज़्यादातर लोगों ने अपने अभिलेख दिए हैं, उनके अधिवक्ता भी आए थे, उन्होंने भी अपना वर्जन दिया है। बहुत सारे लीगल ओपिनियन पर अपनी उन्होंने बात करी है। सबको सुना गया, उनके अभिलेख लिए गए हैं, रूलिंग्स ली गई हैं, उन सबको ध्यान रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम जो किराएदार हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि उनकी पैमाइश गलत की गई है, उसको मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पैमाइश मैं अपनी उपस्थिति में कराऊंगा, और उनको अगर वहीं पर उनके क्षतिपूर्ति की जा सकती है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। जो पूरी तरीके से विस्थापित हो रहे हैं उनको कैसे मदद की जा सकती है, इस पर भी विचार किया जाएगा। सर, जिस तरह से एक पॉइंट मैंने सुना था कि NH से रिलेटेड पॉइंट उठाया गया था कि जो सड़क है क्या NH के अधीन आती है, इस पर क्या? देखिए, मूलतः यह रोड NH की थी, बाद में NHAI ने अपना बाईपास बनाया और PWD को हैंडओवर कर दिया। PWD को इस रोड को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने धरना भी दिए हैं। ये सब रिटर्न में है? ये रिटर्न में है। PWD के हमारे एक्शन महा उपस्थित थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि ये ज़मीन उन्होंने हैंडओवर ले लिया है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अभी NHAI से डी नोटिफिकेशन की कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसमें जो भी उसकी लीगल स्टेटस होगा वो PWD के एक्शन हमारे अवगत कराएंगे, वो हमारे आदेश में अंकित होगा। एक पॉइंट व्यापारियों के ओर से उठाया गया था कि बस अड्डे को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए जो हल्द्वानी रोडवेज है। देखिए मैडम, हम अब बात कर रहे हैं सिटी बस चलाने की। हाँ। स्कूल बसें चलती ही हैं, पेट्रोल पंप की गाड़ियाँ आती ही आती हैं, मंडी नीचे है, ऊपर पूरा कुमाऊं मंडल है, सुबह सुबह गाड़ियां निकलती हैं, वो इसी रास्ते निकलती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि शार्ट रूट का इस्तेमाल किया जाए। इस रोड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंगल पड़ाव से नीचे चौड़ी रोड है और बस अड्डे के ऊपर चौड़ी रोड है, तो ऐसे में ये बॉटलनेक जो बना, इसको अगर हम साफ कर देते हैं, इसको हम क्लीन कर पाते हैं 12-12 मीटर में, तो आप इस बात को अनुमान करिए कि हम तीन पानी को नारीवन चौराहे तक एक अच्छी रोड देने की स्थिति में आते हैं। और ये आप दूसरी बात पे अगर विचार करें तो जब कभी गोलापार में यातायात बाधित होता है तब इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है, और आए दिन जब भी हमारा कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है या ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, टूरिस्ट सीजन होता है, इस पर दबाव बढ़ जाता है तो घंटों जाम लगा रहता है। तो इसका एक अल्टरनेट, ये चीज़ें कुछ हो सकती है, तात्कालिक लाभ देता हुआ दिख सकता है, लेकिन हम बस अड्डा जिस दिन हटेगा उस दिन हम यहाँ सिटी बस चलाएँगे। स्कूल में बसों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको भी हमें स्ट्रेंथन करना है। रोड को बिना चौड़ीकरण की समस्याओं का समाधान प्रतीत नहीं होता है, इसे रोड चौड़ीकरण कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो भी अपने राइट्स प्रस्तुत कर रहे हैं उनका भी सम्मान करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की। आगे क्या कदम उठाया जाएगा, जिस तरह से वार्ता अभी पूरी नहीं हो पाई है? नहीं, ये वार्ता नहीं थी, ये सुनवाई थी। उन्होंने अब जिनके अभिलेख आ गए हैं उनको ध्यान रखते हुए, जिनके अभिलेख नहीं आए हैं उसके आधार पर इसमें एक निर्णय, हमको निर्णय सबूत कराएंगे जिसमें 2-3 दिन का समय लगेगा, और जो हमारे किराएदार हैं उनके साथ निश्चित तौर पर पुनर्वार्ता और संवाद भी किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि उनके साथ कंसेंट बनाते हुए कार्रवाई कर दी। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम? योगेश शर्मा। सर, आज लॉयर के साथ आप लोग नगर निगम में पहुंचे हुए हैं वार्ता के लिए, आधी वार्ता आप लोगों की हो चुकी है, कहीं से कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, जंगल आज चल रहा है, निष्कर्ष निकलेगा कैसे? निष्कर्ष तभी तो निकलेगा जब अधिकारियों को पूरी बातों का ज्ञान हो, इन पे ज्ञान का अभाव है। अच्छा। 101% बता रहा हूँ, इन पे ज्ञान का अभाव है कि एज पर लॉ नहीं चल रहे हैं, लॉ पे नहीं चल रहे हैं ये। अरे, माननीय उच्च न्यायालय से ऊपर तोड़ चले जाएंगे अधिकारी, इनके भी तो हाथ बंधे हुए हैं जैसे हमारे हाथ बंधे हैं। इन्हें यही नहीं पता
किस सड़क का जो नेचर क्या है। अरे कभी कहते ओल्ड एनएच, जबकि ओल्ड एनएच कुछ है ही नहीं, या तो एनएच है, स्टेट हाईवे है, जिला सड़क है, ओल्ड एनएच कुछ नहीं है, ये सिर्फ छलावा है, हमें गुमराह किया जा रहा है, हम इनकी बातों में नहीं आने वाले, हमें गुमराह नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह से आपके लॉयर की ओर से आज यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए हैं, एनएच से रिलेटेड पॉइंट्स रखे गए हैं, तो प्रशासन की ओर से क्या जवाब उसके दिए गए? प्रशासन जवाब देने में अक्षम है, जवाब दे ही नहीं पा रहा है, बातों घुमा रहे हैं, हमें भ्रमित कर रहे हैं। हम भ्रमित होने वाले नहीं है, ये रोजी रोटी का मामला है, भविष्य का मामला है, जिंदगी रोजी जा रही है, मकान जा रहा है, ऐसी तमाम समस्या व्यापारी जूझने वाला है, जिसके लिए ये हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये हर लेवल पर जाकर हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। हम प्रताड़ित नहीं होंगे, हम प्रताड़ित होंगे तो प्रशासन भी प्रताड़ित होगा। लगातार आप लोगों की ओर से वार्ता की जा रही है, अपनी बातें रखी जा रही है, लेकिन कोई कंक्लूजन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो आगे क्या रहने वाला है कदम? वार्ता के लिए हमें आला अधिकारी बुला रहे हैं, ये हमारे माननीय है भाई, अधिकारी से बढ़कर तो हम कुछ नहीं है, बस साइन करने की अथॉरिटी हम पे नहीं है, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए जब हमें बुलाया है तो अपनी बातों से हमें संतुष्ट होने करना ही पड़ेगा, जो कि संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लिख के देंगे। अरे भाई, हमारे अधिवक्ता ने कहा जब आप हमें नोटिस देंगे, कुछ करेंगे कागजों में, तभी तो हम कोर्ट जाएंगे, हमें कोर्ट जाने का पूरे साक्ष्य तो उपलब्ध कराएं, जो कि नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, ये खाली लाइक लेके हमसे झूठे वादे कर रहे हैं। तो आगे का क्या कदम रहने वाला है? आगे कदम दरी, सड़क, धरने, प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई चलेगी। तो क्या लगता है प्रशासन मानेगा आपकी बात आगे चल के? प्रशासन को मानना ही चाहिए, क्योंकि प्रशासन से मैंने कहा था कि आप अधिकारी हैं, बाद में पहले आप भी जनता हो, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में आपका परिवार भी रहता है, पहले आप समाज का हिस्सा हो, उसके बाद आप अधिकारी हो। मेरे घर में दो आईएएस हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में अधिकारी नहीं है, मेरे दो चाचा आईएएस हैं, मेरा भाई कर्नल है, हम भी उस घर से हैं जहाँ अधिकारी पैदा होते हैं। और नेतागिरी की बात बताऊँ तो मेरे घर में इतने नेता हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो सड़क पर आके लड़ाई लड़ेंगे और इन्हें हमें संतुष्ट करना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, भारतवंशियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गाढ़ी संस्कृति, जो हजारों साल पुरानी जो हमारी संस्कृति है, वो कायम रहे, हमारा देश फले फूले, विशेष तौर पर हमारे देश के युवाओं की जो एम्बिशंस है उसकी पूर्ति हो, ये देश मजबूत होकर के उभरे, ऐसी मेरी कामना, ऐसी मेरी इस विशेष भारत पर्व के दिन मेरी इच्छा है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मनोज जायसवाल। सर, जिस तरह से आप लोग आज नगर निगम पहुंचे हुए हैं वार्ता के लिए, पंकज उपाध्याय यहाँ पे मौजूद है, सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौजूद, तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, क्या वार्ता हुई आज? हमारी जो वार्ता हुई है, हमने पहले इनसे पूछा है कि किस आप हमको किस बेस में बेदखल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये ओल्ड एनएच है, अगर ओल्ड एनएच है तो आप ओल्ड एनएच के मनकपुरी के, आप ओल्ड कोई नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ओल्ड का मतलब धस, जब ओल्ड है तो न्यू होगा, न्यू है ना जो है, तो आप न्यू का बना करिए तो ओल्ड, या आप कह रहे, आप तो ये कह रहे हैं कि एक फाइल हमारे ऊपर पहुंची नहीं है, वो बीच में लटकी है, आप कह रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें माना नहीं है, अब माना नहीं है, किसी ने नहीं माना, तो आप तो हमें आप बताओगे नहीं आपने क्या माना है। अगर आपने ये ओल्ड एनएच माना है, ओल्ड एनएच आपकी चीज़ नहीं है, अगर एनएच है तो आप एनएच के 15 मीटर के मानक भूल गए, अभी आज में आपने 15 मीटर पहले ही पीडब्ल्यू विभाग ने एक निशान लगा दिए थे शहर के अंदर, उसमें हंगामा हुआ था, उसमें इसी निगम में हंगामा हुआ था, इन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया, फिर ये 12 मीटर पे आ गए। अरे ठीक है, आप जनहित में काम करना चाहते हैं, जनहित में एक व्यापारी पूरा साथ है, मगर हमारे व्यापारी को कब आप रिलीफ दिलाओगे? आप पहले बताइए ना, शहर में उजाड़ने से ज़्यादा पहले आप बताइए, आपके पास जगह है, आप कोई रोजगार नहीं देने के, इन निगम ने तो आज तक कभी वेंडर जोन नहीं बनाया, सरकार की बहुत नीतियाँ हैं, वेंडर जोन बनाओ सेंटर को, आप यहाँ पर बैठे लोगों ने कहाँ वेंडर जोन बनाया, उनको भी गुमराह कर रहे हैं, वो कब की नीति है? और आज आप कह रहे हैं कि ये एनएच, आपके अधिकारी को नहीं पता है कि ये ओल्ड, कि आप हमें गुमराह कर रहे हैं बार बार फिर ओल्ड के नाम पे। आप अगर आप अगर ये हमारे व्यापारियों को नहीं सुनेंगे तो हम सड़कों में तैयार हैं लड़ने के लिए। तो आज आपके लॉयर भी यहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से भी पॉइंट्स रखे गए थे, क्या उनके पॉइंट्स को जायज माना गया? हमारे लॉयर ने पॉइंट रखा, अब वो एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर टाल दे रहा है, ये एक टाला मटोली का है, इन अधिकारियों ने यह कह रखा कि हम 12 मीटर का कहीं तक करवा के दिखा देंगे आपको,
ये इन्होंने ठान ली है और हमने भी ठान ली है कि आप बिगड़ नियम के अगर विरुद्ध जाओगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और सड़कों पर आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप जब एक सांसद और विधायक आप सब के लिए आप कर सकते हो, 15 से 12 मीटर आ सकते हो, 12 से आप 7 मीटर भी आ सकते हो। जनता हित में आइए ना, आप जनहित में आइए। आप अगर जनहित में नहीं आ रहे तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। चलिए, मतलब फुल फाइनल है कि अगर बात नहीं मानी गई तो आंदोलन के, हम आंदोलन के तैयार रहते हैं। तो देखो, आपने आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर प्रशासन से वार्ता करने के लिए पहुँचे हुए थे। व्यापारी से हमने बात करी जिन्होंने हमें बताया कि कुछ निष्कर्ष उनकी बातों का आज की जनसुनवाई में नहीं निकला है। वही प्रशासन का कहना है कि उनकी तरफ से जो भी हर संभव जो कोशिश होगी वो व्यापारियों के लिए की जाएगी और साथ ही आने वाले दिनों में भी एक वार्ता जो है प्रशासन की ओर से व्यापारियों के साथ की जाने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले समय में कोई निष्कर्ष इस मुद्दे पर निकलता है या फिर नहीं, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनमें रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और क्या व्यापारियों की मांगें पूरी होंगी या फिर नहीं, इस मुद्दे से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो जेजन आपके बीच लेकर आता रहा है। अभी के लिए सपोर्ट पे इतना ही। मैं निशा सहयोगी तनुजा के साथ जेजन न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।